आपको एट क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज पॉइंट लिखी क्वेश्चन नंबर 1 का 7 करा रही जो कि 5 क्लास 3 है। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द क्यूब, मुकब मालूम करें। क्यूब को उर्दू में मुकब कहते हैं। तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगी, अभी 5 क्लास 3 है को ऐसे उतारूंगी मैं। हमसे कहा जा रहा है कि क्यूब मालूम करें, मुकब मालूम करें, तो मैं इसके ऊपर क्यूब लगा दूंगी। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज, हम तो मैंने पहले स्टूडेंट्स, अब मैं ए को इस 5 के बराबर ले लूंगी और बी को इस 3 के बराबर ले लूंगी। स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी, जो कि हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है ए प्लस बी का, ए प्लस बी के होल क्यूब का, जो कि है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है, अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां भी a आएगा मैं वहां वहां a की जगह 5 लिखूंगी, क्योंकि a बराबर है 5 के। और स्टूडेंट इस फॉर्मूले में जहां जहां भी b आएगा मैं वहां वहां b की जगह 3a लिखूंगी, क्योंकि b बराबर है 3a के। 3a। इस फॉर्मूले में जहां जहां भी a आया था मैंने वहां वहां a की जगह 5 लिख दिया है, क्योंकि a बराबर है 5 के। और स्टूडेंट इस फॉर्मूले में जहां जहां भी b आया था मैंने वहां वहां b की जगह 3a लिख दिया है, क्योंकि b बराबर है 3a के। स्टूडेंट ये 5 प्लस 3a का होल क्यूब है, जिसे नीचे उतारूंगी 5 प्लस 3a, ये इक्वल भी स्टूडेंट ऐसे एडिटर्स नीचे उतारूंगी। अभी 5 के ऊपर होल क्यूब आएंगे, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैंने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 5 5 से 25, 25 5 से 125, हमारे पास आ गया 125। और जो क्यूब है इसके अंदर के एक्सपोनेंट 1 है, बाहर की 3 है, 3 3 3 हो गया, तो ये ब्रैकेट खत्म, ये हो गया 125 क्यूब। ये पिला 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 125 आ गया, तो ये पिला ऐसे आ जाएगा। अब मैं 3 3 9 होता है, ये ऐसे आ जाएगा। और जब मैं 5 के ऊपर होल स्क्वायर, यानी कि 5 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैंने 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 5 तो 10 आ गया। ऊपर 2 की पावर, यानी कि 5 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैंने 5 पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 25। और जो होल स्क्वायर है इसके अंदर से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस मैंने ऐसे नीचे उतार दिया, जब मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। और जो 3 के होल स्क्वायर इसको 3 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 3 का जब मैंने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। और ये जो a a हां a को उतार दिया मैंने, ये a स्क्वायर हो गया, मैंने प्लस का ऐसे नीचे उतार दिया। ये देखें 3 a क्यूब यानी कि 3 a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। और जो a है इसके अंदर के एक्सपोनेंट 1 है, बाहर के 3 है, 3 1 3 हो गया, तो ये a क्यूब हो गया। इस रूल में अभी 5 + 3 a का होल क्यूब मैं जैसे नीचे उतारूंगी, ये पर भी नीचे आ जाएगा, ये 125 में नीचे उतार दूंगी। अभी जो प्लस 9 25 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैंने 9 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 225 आ गया। और ये ए ए आ जाएगा,
अपने तीनों टर्म्स आपस में अपने दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ साइन कुछ नहीं तो प्लस ही, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 135 और जो ए स्क्वायर ऐसे आ गया, मैं प्लस 27 ए क्यूब ऐसे उतार दूंगी, प्लस 27 ए क्यूब ऐसे उतार दूंगी 27 ए और यही हमारा आंसर है। सो काइंडली प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।